अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज बिरयानी। तो मैं बताती हूँ आपको वेज बिरयानी किस तरीके से बनती है। तो वेज बिरयानी के लिए आपको ये सारे खड़े मसाले लेने होंगे, जैसे कि मैंने एक इलायची ली है, दो छोटी इलायची ली है, 5-6 गोल मिर्च ली है, जीरा लिया है थोड़ा, 2 पत्ते लिए हैं, दालचीनी ली है, लौंगे ली हैं, कुटी मिर्च है, फ्राई ग्रीन फली है, सोयाबीन है 1 कटोरी, आलू है 2, टमाटर है 1, 1 बड़े साइज का प्याज है, मैगी मसाला है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/2 चम्मच, 1 कटोरी मटर है, 1/2 कटोरी दही है, 1/2 केजी चावल है। ठीक है, तो देख सकती हैं आप, मैंने भगोना रख दिया है, रिफाइंड मैंने अपने अनुसार डाला है, आप चाहें आपको पर है, आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा, कम खाते तो कम ले सकते हैं। ठीक है, ये वेज बिरयानी है। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब सब लोग देख सकते हैं मैं प्याज डालती हूँ। ठीक है, प्याज फ्राई होने के बाद खड़े मसाले डालेंगे। प्याज हमारी हो गई है ब्राउन, अब हम डाल देते हैं इसमें खड़े मसाले। खड़े मसाले के बाद भी इसको फ्राई कर लेना प्याज के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं खड़े मसाले भी फ्राई हो गए हैं। टमाटर डाल देते हैं, सिम कर देते हैं, सारी सब्जियां डाल देते हैं, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च आपको पर है, मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ, आप थोड़ा कम बनाएंगे तो कम डाल सकते हैं। ठीक है, हरी मिर्च डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, बड़ी डाल दी, अब अच्छे से इसको आप मिक्स कर दें। नमक डाल देते हैं हम 1 चम्मच स्वाद अनुसार। इसी में हम आलू डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दही डाल देते हैं, दही डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को हमें स्लो ही रखना है। अब हम डाल देते हैं मैगी मसाला, पूरा डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं मैगी मसाला डाल दिया, अच्छे से हमारा सारा कुछ भून चुका है। अब कुटी मिर्च डाल देते हैं, हम तेज कर देते हैं, पानी डाल के उबाल लेते हैं, उबाल आने पे चावल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं उबाल आ गया हमारा अच्छे से। अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राइज भी उबाल आने पे। अब डाल देते हैं हम चावल जो कि हमने 20 मिनट पहले भिगोए थे। तो आप देख सकते हैं मेरे को चावल का पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं और डालती हूँ अभी पानी। हमें इतना डालना है जो कि हमारे चावल अच्छे से डिप हो जाए। बस इतना ही डालना है, अब हमें इसे अच्छे से पकने देना, 20 से 20 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट लगेंगे, बिरयानी हमारी रेडी हो जाए। अब हम इसे ढक देंगे बनने के लिए तेज गैस। तो आप देख सकते हैं हमें इतना पानी हो तब हमें गैस सिम कर देनी है। सिम करने के बाद लास्ट में हमें डालनी है मटर।
हटाने के बाद आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आप, हल्का सा कलर डाल देते हैं। ये जो अब आप रख देते हैं सिम पे, 10 मिनट में ये फुल रेडी। तो आप देख सकते हैं हमारी वेज बिरयानी हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं अब हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। अब मैं टेस्ट करती हूँ, इसके साथ मैंने बनाया खीरे का रायता। वाह क्या टेस्टी बनी, क्या स्वादिष्ट, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप लोग जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बिरयानी मैंने बनाई है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। अगली वीडियो में मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद करना, लाइक करना।